Hey everybody. Hello. This is 3 o'clock in the afternoon and this is Sunday. तो आज हम कहीं जा तो सकते नहीं है और हमारी छुट्टी भी है. सुबह सुबह बहुत तेज स्नोफॉल हुआ है. एक्चुअली पूरी रात बहुत ज्यादा स्नोफॉल हुआ है और रात में तो इतना कुछ दिख नहीं रहा था, लेकिन when we woke up, it was heavenly feeling. बहुत ही सुंदर दिख रहा था. अभी आपको व्यू भी दिख ही रहा होगा, लेकिन अभी मुझे लगता है थोड़े बहुत ट्रीज में से पूरी बर्फ निकल चुकी है. लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं. वी विल स्टार्ट आवर रूम टूर टुडे एंड वी विल बी टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग, लाइक द कम्यूट, लाइक हाउ वी हैव रीच्ड हियर, एंड देन अबाउट द अपार्टमेंट, हाउ वी रेंटेड इट, एंड वाईफाई, इलेक्ट्रिसिटी, पावर बैकअप, हीटर्स, एवरीथिंग अबाउट इट. सो लेट्स गो. प्राइवेसी की बात मैं सबसे पहले करूँ तो दिस इज ऑन द फर्स्ट फ्लोर और इसके ऊपर दो लोग और रह रहे हैं. दे हैव बीन लिविंग हियर सिंस 2 और 3 और एक तो 6 months से यहाँ पर रह रहे हैं. वी हैव शिफ्टेड हियर आई थिंक 1 week बिफोर. हमको यहाँ पर सिर्फ हफ्ता भर हुआ है आए हुए. सो दिस रूम इज ऑन द फर्स्ट फ्लोर और ये उसकी एंट्रेंस है. तो लेट्स गो एंड चेक आउट द फर्स्ट बेडरूम. प्लीज डू नॉट जज. हमने यहाँ पर हम नीचे गए हुए थे तो बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी, हम पूरे भीग गए, तो इसलिए हमने ये सब पूरा फैला कर रखा हुआ है. बट अगेन दिस इज आवर फर्स्ट बेडरूम. बहुत ही अच्छा है, बहुत ही कोजी है, बट वी आर नॉट लिविंग हियर क्योंकि हम लोग दो लोग ही हैं, हमें दो बेडरूम की जरूरत नहीं थी. बट दिस अपार्टमेंट इज एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल तो हमने इसको लेने में एक सेकेंड की भी देरी नहीं की. बट दिस इज फॉर आर गेस्ट जो अभी तक आए नहीं है. हम सबको बुला बुला कर परेशान हो गए लेकिन कोई आ नहीं रहा है. एंड देर आर टू विंडोज, वन इज दिस एंड वन बैल्कनी अटैच्ड. टॉकिंग अबाउट द बैल्कनी नाउ, दिस बैल्कनी इज सराउंडेड पूरा यहां से वहां तक है, विच गिव्स यू 360 डिग्री व्यू. पूरे अपार्टमेंट के सर्कल में आपको जितने भी माउंटेन्स हैं सब दिख जाते हैं. दैट इज लास्ट वन फॉर दिस अपार्टमेंट. एंड चेक आउट आवर मिलियन डॉलर व्यू. तो वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू पॉइंट आउट हियर इज दैट उधर पे शायद इससे नहीं दिखेगा बट दैट इज हमता पास. यहां से उसकी बहुत प्यारे प्यारे माउंटेन्स दिखाई देते हैं जो अक्सर एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल और स्नो कवर्ड होते हैं. जब हम यहाँ पे डे वन पे आए थे हमें से वही इकलौती चीज थी जो दिखाई दे रही थी, और जब से ये 2-3 दिनों से ये स्नोफॉल का पूरा प्रेडिक्शन हुआ है तब से कुछ भी दिखाई देना बंद हो गया है. इट्स ऑल हेजी, इट्स ऑल क्लाउडी, कुछ नहीं दिख रहा है. सो लेट मी टेक यू नाउ टू द बैल्कनी व्यू जो आप कभी भूल नहीं पाएंगे. अरे गुलाब प्लीज. सो दिस इज आवर बालकनी. ये हमारे हम उसे स्टोर रूम कहते हैं, बट दिस इज नॉट अ स्टोर रूम, दिस इज अ बेडरूम. हमने इसे स्टोर रूम बनाकर रखा हुआ है अपना, लेकिन इसके लिए बालकनी पूरी अटैच्ड है. और यहीं पर मैंने अपनी लाइफ की पहली स्नोफॉल देखी थी तो इट्स वेरी स्पेशल फॉर मी. अभी भी बारिश बहुत ज़्यादा तेज हो रही है. मुझे पता नहीं कि मेरी आवाज़ वहाँ तक पहुँच पा रही होगी या नहीं पहुँच पा रही होगी, बट स्टिल आई ट्राई. सो फ्रॉम हियर आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रॉक्सिमिटी. तो यहाँ से इफ यू कैन सी हियर, ये एक पतला सा रोड है जो जा रहा है और 100 meters यहाँ से सिर्फ 100 meters पे कुल्लू नागर मेन रोड आ जाता है. जस्ट 100 meters. आप ये अगर मेरी पुराने वीडियोस देखे होंगे सो आई हैव शोन इट मल्टीपल टाइम्स. नीचे जाते जाते बर्फ पड़ जाती है एंड इट्स वेरी लाइक इट बिकम वेरी स्लिपरी और बहुत फिसलते हैं. लेकिन अगेन अनदर थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट दैट माउंटेन, दैट इज मनाली. क्योंकि हम मनाली से
4 किलोमीटर दूर रह रहे हैं. इट्स इन शुरू विलेज विच इज नॉट इन मनाली. इट इज 4 किलोमीटर अवे फ्रॉम मॉल रोड. और कोरोना के टाइम चल रहा हुआ था, सो वी थॉट दैट इट्स नॉट अ वेरी गुड ऑप्शन टू स्टे इन मनाली. सो वी थॉट ओके लेट्स स्टे आउट ऑफ मनाली बट लिटिल बिट प्रॉक्सिमिटी के पास में. सो दैट इज मनाली. दैट इज रोहतांग जो यहाँ से दिख रहा है, विच इज अगेन एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल. पूरा जो स्नो हो चुकी है वहां पर, दैट इज रोहतांग पास. एंड दैट साइड माई फ्रेंड इज हमता पास. I'll not go that side क्योंकि उस तरफ में पूरा रेनफॉल हो चुका है तो वो सब कुछ भीग चुका है. बट दिस इज द बालकनी आई वाज टॉकिंग अबाउट. तो ये पूरा वहाँ पर जाके, तो ये पूरा उस तरफ जाकर आप राइट ले सकते हैं जहाँ से आपको उस साइड का पूरा वैली दिखेगा. सो इफ यू वुड लाइक टू गो सर. As you can see, so let's go inside and see the rest of the house. This is our dining area, जहाँ पर हम कभी डाइनिंग नहीं करते हैं क्योंकि यहाँ पर धूप नहीं आती. धूप बहुत ज्यादा तेज आती है वैसे पूरे, क्योंकि ये हर जगह से विंडो है तो यहाँ पे बहुत अच्छी धूप आती है. लेकिन हमें कभी यहाँ पर खाने का मौका नहीं मिला क्योंकि वी प्रेफर इनसाइड, क्योंकि वहां से बहुत ब्यूटीफुल व्यू है एंड वी लाइक टू ईट विद व्यू. स्पीकिंग ऑफ विच, लेट्स गो टू द किचन नाउ. सो दिस इज माई हेवनली किचन. मैं जब ये सोच रही थी कि वी हैव टू गो टू द माउंटेन्स एंड यू नो लिव देयर, स्टे लाइक देम, फील लाइक देम, कि अगर आपको कुछ ब्रेड भी लेने जानी हो तो आपको पहाड़ नीचे उतर कर जाना पड़े, ठंड हो रही हो तो बिना यू नो ठंडे पानी से कभी आपको हाथ धोना पड़े, हाउ डज इट फील. तो मैं हमेशा सोचती थी कि यू नो आई हैव टू लिव लाइक दैट. सो वी हैड टू ऑप्शंस, आइदर टू स्टे इन यू नो होटल्स और समथिंग और टू रेंट अ प्लेस लाइक दिस एंड स्टे हियर. सो वी ऑब्वियसली प्रेफर्ड अ सेकंड ऑप्शन. सो व्हाट आई वाज प्रेफरिंग मोर इज किचन, एंड दिस किचन वाज समथिंग आई सॉ एंड चोज द मोमेंट आई सॉ इट. सो वेलकम टू माई किचन. सो दीज आर द छोटा छोटा बर्तन जो हमको मिला हुआ है. आपने मेरे बहुत सारे ब्लॉग्स में देखा होगा कि मैं खाना बना रही हूँ. सो दीज आर द बर्तन विच आई यूज बेसिकली. यहाँ पर हमें दो दो ये मिले हुए हैं, सिंक मिले हुए हैं जिसमें बर्तन हम धो लेता है कभी कभी. यहाँ पर मैं आ रही थी तो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ने मुझे बोला था कि जस्ट यू नो थिंक अबाउट 3 things बिफोर यू मूव इन. फर्स्ट ऑफ ऑल सेफ्टी, सेकेंड ऑफ ऑल वाटर, एंड थर्ड ऑफ ऑल ग्रोसरी. तो मैं नीचे आ रही थी तो आई सॉ दैट देयर इज अ ग्रोसरी शॉप विच यू हैव ऑलरेडी सीन इन माई अदर व्लॉग्स इज वेल. मैं डेली व्लॉग्स कर रही हूँ तो आपने अगर इफ यू हैव नॉट सीन इट येट प्लीज गो एंड वॉच इट. नीचे ही ग्रोसरी शॉप है, वहां से हमको कुछ भी लेना होता है बस 100 meter पहाड़ नीचे उतरो, 100 meter पहाड़ ऊपर आओ एंड यू गेट इट. सेकेंड थिंग इज वॉटर. सो वी हैव दिस एंड आई सॉ इट एंड इट वॉज लाइक गुड, दैट इज गुड दैट वी डोंट नीड टू बाय वॉटर फॉर इट बिकॉज इन बैंगलोर वी नीड टू बाय इट. तो ये यहाँ पे एक्वागार्ड ऑलरेडी लगा हुआ है. एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस हाउस इज इट हैज गीजर्स इन द किचन. आई थिंक इन माउंटेन्स इट इज देयर अवेलेबल, इन एवरी अदर प्रॉपर्टी इट माइट बी अवेलेबल बट हियर यहाँ से तो स्विच ऑन की यहाँ से एकदम खोलता हुआ पानी निकला एंड वी आर जस्ट गुड. दिस इज अ मिलियन डॉलर व्यू अगेन एंड लाइक आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी कुकिंग हियर विथ अ व्यू विच आई ऑब्वियसली वॉन्टेड सिंस द बिगनिंग. दैट्स व्हाई आई हैव चोजन दिस प्रॉपर्टी स्पेसिफिकली. और बस इससे ज्यादा कुछ है नहीं. ग्रोसरीज आई हैव, ये हमारी बहुत सारा स्टोरेज दिया हुआ है विच वी डोंट यूज ऑब्वियसली, थोड़ा बहुत चिप्स और इतनी सारी मैगी हम लेकर आए हुए हैं. दिस इज अंडे का क्रेट, दिस इज आलू सब्जी प्याज टमाटर, सब कुछ 100 meters के प्रॉक्स में मिल जाता है. सो यू डोंट नीड टू थिंक अबाउट ग्रोसरीज, यू डोंट नीड टू थिंक अबाउट वाटर. एंड ऑल्सो हियर आई विल टॉक अबाउट द
security of this property. Since people have been living here, upar niche, so this apartment is pet friendly. We have been living here for a very long time now and it's very safe here. Yahan par niche mein bhi bahut sare log hote hain. Since the proximity is just 100 meters, so agar aapko koi bhi dikkat hoti hai, you just run to, you know, downstairs. That's all you need to do. तो ऊपर नीचे सब लोग पूरी फैमिली रह रही है, सो इट फील लाइक बैंगलोर बट नॉट इन बैंगलोर इन द माउंटेन्स. सो सिक्योरिटी वाइज आई गिव इट लाइक गुड. वन गुड थिंग अबाउट दिस प्लेस इज दैट इधर पे भी गीजर आता है. ऐसा कोई टैप नहीं है यहाँ पर जहाँ पर गीजर का हॉट वाटर ना आता. सो दैट इज अ प्लस पॉइंट फॉर दिस प्रॉपर्टी. एंड दिस हैज ओनली, इवन दो इट हैज, देयर आर टू बाथरूम्स, दिस हैज ओनली वन कॉमन बाथ. दिस टू बेडरूम्स, did I say bathroom? Okay, although it has two bedrooms, but it has only one common bathroom, which is here. Please have a look. There is no caretaker as such, but there is one very nice lady. Her name is Dolma. वो बहुत अच्छी है. एंड वेन आई सॉ दिस अपार्टमेंट, उन्होंने पूरा घर ऑलरेडी क्लीन करके रखा हुआ था. यू ऑलरेडी सीन द बाथरूम, यू ऑलरेडी सीन द प्लेस. मैंने एक भी बार झाड़ू भी नहीं लगाई अभी यहाँ पर. बाथरूम भी उन्होंने बहुत अच्छे से क्लीन करके रखा हुआ था. देयर इज 24 आवर्स रनिंग वाटर. अभी तक हमको पानी का कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ है. देयर आर गीजर्स इंस्टॉल्ड. किचन का गीजर है, दैट इज इंस्टेंट. और जो यहाँ वाला गीजर है, दैट इज लाइक नॉर्मल वाला, जो 10 लीटर वाला गीजर होता है, वो वाला गीजर. जो बाथरूम टॉयलेटरीज होती है, वो भी हम नीचे जाकर लेकर आ चुके हैं, वो भी मिलती है यहाँ पर. सो दैट इज अबाउट द बेडरूम, द किचन एंड द बाथरूम एंड दिस क्यूट लिटिल एरिया विच आई लाइक अ लॉट. यहाँ पे बहुत प्यारी प्यारी पिक्चर्स आ जाती है. नाउ लेट्स, लाइक आई वॉन्ट टू टेक यू गाइज टू माई हेवन नाउ. ये सब तो हम लोग बहुत कम यूज करते हैं, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द मोस्ट, you know, beautiful part of this house is our master bedroom, which has a very nice, beautiful and $1 million view to see when you wake. So let's इस रूम में एंटर करते ही, मतलब जब मैंने इस अपार्टमेंट में एंटर किया था, आई वॉज 70% श्योर कि आई एम टेकिंग दिस अपार्टमेंट. But when I entered into this room now, I was like 200% sure that I'm taking this apartment quickly, like as quick as possible. So this is our bedroom. जब snowfall होता है, so we sit here, पूरा view देखते रहते हैं. यहाँ से कोई और valley दिखती है, यहाँ से हमदा पास दिखता रहता है. So when you wake up, you get $1 million view here. Since we are two people, तो एक हीटर ही इम्पॉर्टेंट था. एक हीटर ही मतलब मैंडेटरी लगा उनको. सो एक हीटर उन्होंने निकाल दिया और एक हीटर उन्होंने हमारे पास लेके रखा हुआ है. सो यही है हमारी, हमारे दुख दिनों का साथी. ये नहीं होता तो हम कहाँ जाते. दिस इज ट्रूली अ ब्लेसिंग फॉर अस, क्योंकि जब भी बाहर बारिश हो रही होती है या फिर हम लोग को भीग कर आती है, द फर्स्ट थिंग वी एंटर इनटू द रूम एंड स्विच ऑन दिस गॉडली थिंग. ओके, फ्यू मोर थिंग्स दैट इट हैज अ लॉट ऑफ स्टोरेज. ये डब्बा है, ये डब्बा है, उधर पे भी दो डब्बे रखे हुए हैं. और किचन में भी द एग्जाम्पल अमाउंट ऑफ स्टोरेज इन द बाथरूम ऑल्सो द एग्जाम्पल अमाउंट ऑफ स्टोरेज. ऑल दो वी डोंट नीड इट इन 15 डेज, बट जो लोग यहाँ पे 2-3 महीने 6 मंथ्स के लिए रहने आ रहे हैं, दे श्योरली नीड इट एंड इट्स अ गुड टू गो. चाय तो बना दो. चलो. सो दिस इज अ काउच दैट वी गेट बिकॉज इट्स अ फुली फर्निश्ड हाउस. तो ये काउच यहाँ पर जब सनलाइट पड़ती है तो आहा, क्या दिन बीतता है. ऑल दो आई वॉज नॉट होपिंग फॉर सनलाइट फॉर फ्यू डेज, लेकिन अब जब स्नोफॉल हो चुकी है तो मैं सूरज देवता को फिर से बोलती हूँ कि आप फिर से आ सकते हैं अब, क्योंकि मैंने देख लिया अपनी जिंदगी की पहली स्नोफॉल. बट सिटिंग हियर आई ऑल्सो वॉन्ट टू टॉक अबाउट द प्रॉक्सिमिटी ऑफ दिस अपार्टमेंट. सो दिस अपार्टमेंट इज लोकेटेड इन शुरू. और ये शुरू विलेज एक्चुअली थोड़ा सा और पीछे है, ये उसकी बिगनिंग में ही आ जाता है.
शुरू इज बेसिकली प्रीनी के थोड़ा सा आगे मनाली से, इट्स प्रॉब्ली 3.54 किलोमीटर्स दूर, जो कुल्लू नागर वाला रोड होता है आफ्टर द पुल, उसके बाद मनाली के लिए लेफ्ट निकल जाते हैं, लेकिन दिस इज कुल्लू नागर रोड और वहां से भी आई थिंक इट इट बी सम 3 किलोमीटर्स, नॉट मोर देन दैट. तो दूर भी है और हम पास में भी रह रहे हैं, सो दैट इज अबाउट द प्रॉक्सिमिटी. यहाँ से हम लोग कल सोलंग वैली गए थे. सोलंग वैली इज सम 9 किलोमीटर्स फ्रॉम मनाली, तो 3 किलोमीटर्स प्लस 9 किलोमीटर्स इज बेसिकली 12 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर. और हमता पास तो यहाँ से दिखता है, जो हमारी वो है डोलमा है, उनके हस्बैंड लेकर भी जाते हैं यहाँ से. सो गेट लॉट ऑफ पीपल एक्चुअली इन टच विद. तो आपको अगर कहीं पर भी जाना है, सो यू कैन यू नो रीच आउट टू देम, गो टू देम, और मतलब गो टू हमता पास. कोई भी टैक्सी वगैरह सब आसानी से मिल जाती है यहाँ पे. ऑल्सो स्पीकिंग ऑफ द ट्रैवल, जैसे ही आप 100 मीटर्स नीचे उतरते हैं कुल्लू नागर रोड पे, हर आधे घंटे पे बस निकलती है. बगल में रेस्टोरेंट है, यू कैन यू नो हैव योर टी और समथिंग वहां पर, और बस का इंतजार करते करते कुछ भी कर सकते हैं, देन हॉप इन और सीधा वो आपको मॉल रोड पे छोड़ सकती है. दैट्स अबाउट द प्रॉक्सिमिटी लिटिल बिट. नाउ टॉकिंग अबाउट द कॉस्ट ऑफ लिविंग हियर, द बिग थिंग, द यू नो द क्लाइमैक्स ऑफ दिस एपिसोड इज वी आर जस्ट पेइंग 1500 रुपीज अ डे, और उसमें सब कुछ इंक्लूसिव है. नाउ टॉकिंग अबाउट द ग्रोसरी कॉस्ट, अभी तक मैंने इट्स बिन 7 days और अभी मेरे पास 7 days का पूरा ग्रोसरी बाकी है. सो 7 days का कॉस्ट मेरा कुछ 1500 रुपये हुआ है, इससे ज़्यादा नहीं हुआ है. सो 1500 रुपये वो, 1500 रुपये पर डे यहाँ पर रहना, और अभी तक मैंने सिर्फ 15 दिन के लिए इसको बुक किया है. इफ़ आई लाइक इट आई विल जस्ट एक्सटेंड माई स्टे हियर. सो इट जस्ट कॉस्टेड मी सम 2500 रुपीज हियर, मतलब अभी तक का जो मैंने पे किया है, एंड 1500 मोर. और थोड़ा बहुत हम लोग अभी सोलंग वैली घूमने के लिए गए थे अभी तक, उसमें कुछ एक्स्ट्रा खर्चे हुए हैं, बट दैट डज नॉट बिलोंग टू दिस एपिसोड, दैट इज अ सेपरेट थिंग. सो दैट वाज इट अबाउट टुडेज वीडियो. आई होप यू लाइक इट. इफ यू लाइक इट यू कैन शेयर, सब्सक्राइब और वो सब कुछ जो सब बोलते हैं, बिकॉज आई हैव नेवर सेड इट एंड इट्स एक्सट्रीमली वियर्ड टू से इट ऑल्सो. सो यू नो वॉट टू डू. सो हैव अ गुड डे. एंड If I see the उधर पे पूरा hazy हो गया फिर से. So if I see the snowfall, I am surely going to add it after this. So enjoy. Snowfall.